चंडीगढ़ और राजस्थान से कारीगर बुलाए गए हैं। धौलपुर से खास पत्थर मंगवाया गया है क्योंकि पांवटा साहिब में ऐतिहासिक गुरुद्वारे में बनने जा रहा है विश्व का पहला कवि दरबार। जी हाँ, गुरु की नगरी पांवटा साहिब में एक ऐसी इमारत बन रही है जो पूरी दुनिया के लिए अजूबे से कम नहीं होगी। और ये अद्भुत कवि दरबार पूरे विश्व में इकलौता हिमाचल प्रदेश में ही होगा। गुरु गोविंद सिंह जी ने पांवटा साहब में अपने 4.5 साल के प्रवास के दौरान बहुत जो काव्य संरचनाएं हैं या जो गुरु ग्रंथ साहब की जो बहुत से श्लोक हैं उसकी जो रचना है वो यहाँ पर हुई, या जो उसके बारे में विचार हैं वो यहाँ बैठकर आए। गुरु साहब यहाँ पर रोज शाम को बैठ के कवि दरबार का आयोजन करते थे। पांवटा साहब में जो कवि दरबार बनाया जा रहा है जी, ये राजस्थान से बहुत दूर से पत्थर मंगवाया गया है। ये ऐतिहासिक जगह है, ये जमुना जी के किनारे पर है जी। इतिहास में लिखा है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने 1683 में पांवटा साहिब गुरुद्वारे की नींव रखी थी। इसी दौरान गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ पर 52 कवियों के साथ कवि दरबार की शुरुआत की। तब से यहाँ हर साल 52 कवि अपनी रचनाएं पेश करते हैं। हर पूर्णमासी पर यहाँ कवि दरबार लगाया जाता है जिसमें दूर दूर से कवि भाग लेने के लिए आते हैं। अब तक इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे में 320 कवि दरबार का आयोजन हो चुका है। इस बार जो कवि दरबार लगेगा वो 321वां होगा। यहाँ सबसे अच्छा काम हो रहा है पांवटा साहब में, और ये मकरने का पत्थर है, ये है कि नहीं, धौलपुर का भी है पत्थर। ये दरबार बनाया जा रहा है जहाँ कहीं भी नहीं होगा ऐसा दरबार। यहाँ कवि दरबार में तो देखो पत्थर की पालकी बनेगी, और ये जो सारा पत्थर ही का काम हो रहा है कवि दरबार में, और इतना अच्छा बन रहा है कि मेरे ख्याल पे ये इस जिले में जो है सबसे अच्छा कवि दरबार बन रहा है। पांवटा साहब एक पूरे विश्व के एक अपनी महानता है, और कवि दरबार ये स्थान दसवें पातशाह के टाइम तो ये कवि दरबार इतने चलता आ रहा है। उस टाइम दसवें पातशाह ने अपने कवि दरबार के 52 कवि रखे से, विभिन्न अलग अलग भाषावां के कवि इतने आके दसवें पातशाह के इस पावन दरबार से कवि दरबार से हंस के पढ़ते से, अपनी सोहनिया सोहनिया कवितावान रचनावान उस संगतों को सुना के निहाल करते। हूँ इतने कवि दरबार हूँ भी अज भी उस परंपरा कंटिन्यू करते हुए अज हर महीने हर पूर्णमासी को कवि दरबार अज भी इतने पांवटा साहिब इस महान स्थान से कवि दरबार होता है। कहते हैं कि ऐसा कवि दरबार दुनिया में कहीं और नहीं है। पांवटा साहिब में बनने वाले दुनिया के पहले कवि दरबार को सुंदर और अद्भुत बनाने के लिए हर कोशिश की जा रही है। खास कारीगर और पत्थर तो है ही, इसके अलावा गुरुद्वारे में 52 तरह के फूल भी लगाए गए हैं जो गुरुद्वारे की सुंदरता में 4 चांद लगा रहे हैं। कवि दरबार को बनाने का काम अपने अंतिम पड़ाव पर है, और माना जा रहा है कि जब ये बनकर तैयार होगा तो किसी राजा के दरबार से कम नहीं होगा। कहा जा रहा है कि जल्द ही इस दरबार का काम पूरा हो जाएगा। जो इसको बहुत सुंदर रूप से बनाया जा रहा है, और ये देखने लायक होगा, सबसे एक सुंदर अजूबा होगा जो सारे संसार में जो है सबसे अलग इसकी जो है वो महत्ता होगी। गुरुद्वारा पांवटा साहिब हिमाचल प्रदेश में है, इतने गुरु साहब ने शहर आ वसाया, इतने गुरु साहब ने पहला कवि दरबार शुरू कराया जो अज तक निरंतर चल रहा। हर पूर्णमासी को कवि दरबार बड़ी पद्धर से लगता है, हर होले महल्ले से बहुत बड़ी पद्धर से कवि दरबार किया जाता। उस कवि दरबार जी इमारत है हुण दोबारे पुराने ढंग नाल सारी बनाई जा रही है। पांवटा साहिब गुरुद्वारे में लोग दूर दूर से शीश नवाने के लिए आते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इस कवि दरबार की बिल्डिंग का निर्माण नए सिरे से करवाया जा रहा है, और जिस हिसाब से दरबार का काम हो रहा है लगता है आने वाले समय में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी जरूर देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।
24 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।